आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है या मोबाइल का हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों इसको हम ठीक कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे इस मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन दोस्तों हमारे दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर अगर आप भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर इस सेटिंग को यहाँ पे करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, अगर आपका हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है तो। सो यहाँ पे जैसे आप सेटिंग के अंदर आ जाते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट वाला जो आपको बटन देखने को मिल रहा है सिंपली जो आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर सिंपली आपको सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट का जो बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिंपली जो आपको ये बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे जो है आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपली जो आपको SSID यहां पे जो लिखा हुआ है इसका जो नाम है आपको सबसे पहले इसका नाम को चेंज कर लेना है। तो यहां पे जस्ट हम अपना नाम डाल देते हैं, यहां पे मैं डाल देता हूं इन्फो ट्यूब। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना नाम डाल सकते हैं। अब यहां पे पासवर्ड पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है और यहां पे जो पासवर्ड डाला हुआ है आपको इसको कट कर देना है। अब यहां पे आपको दोबारा से कुछ पासवर्ड डाल देना है। सो यहां पे हम डाल देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड बदल के डाल देना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना है और अगर आप अपने हॉटस्पॉट के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड नहीं लगाना तो यहाँ पे आप नन पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट ही रहने देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट AP बैंड, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको 2.4 वाले बैंड को क्लिक कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना काम कर देना है और यहाँ पर ओके वाले बैंड को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर करने के बाद जो है आपको कुछ और सेटिंग जो है सेट करना पड़ेगा और आपका बार बार हॉटस्पॉट बंद हो जाता है। सो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं 1 टाइम डेटा लिमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपका ये जो ऑन है यहाँ पे सिंपली आप इसको ऑफ कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप जितना यहाँ पे सेट कर देते हैं उतना MB के बाद जो है आपका नेट बंद हो जाता है, आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाता है। तो इसको जो है सिंपली आपको बंद कर लेना है अगर चालू है तो। उसका दोस्तों सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्टेड डिवाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिमिट ऑफ कनेक्शन डिवाइस इस पर क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कर देना है। कई बार क्या होता है यहाँ पर 1-2 सेट है और उससे ज़्यादा डिवाइस आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है और यहाँ पर एक ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने जो है 1 IP को ब्लॉक कर रखा है। अगर आपका कोई यहाँ पर IP ब्लॉक हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद से आपका हॉटस्पॉट से ये जो है डिवाइस कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। इसको सिंपली आपको क्लिक करके इसको रिमूव कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इतना काम कर देते हैं आपका हॉटस्पॉट काम करने लगेगा और आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने जो है अपना दूसरा मोबाइल फोन का यहाँ पे वाईफाई खोल लिया। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे वाईफाई खुला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोट्यूब, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। फाइनली देख सकते हैं आप हमारा वाईफाई जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया। कुछ इस प्रकार से आप भी जो है मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग कर सकते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।